सरहद पर पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। एक तरफ सरकार और जनता लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं और कोरोना के इस जंग में अपनी सहयोग दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं और अपना और अपनों का जान जोखिम में डाल रहे हैं। बार बार सरकार द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर से ना निकले। वहीं दूसरी ओर जांजगीर चांपा के बम नेहरी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत संजय ग्राम में धनेश्वर साहू और फेकू सूर्यवंशी के द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से ईंट के भट्टे चलाए जा रहे हैं। इन ईंट के भट्टों में बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं जिनके पास कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई साधन नहीं है। देखा जाए तो वे लोग इस लॉकडाउन और वैश्विक महामारी को मजाक समझ रहे हैं। साथ ही वहाँ के सरपंच होने के नाते जहाँ उनको ग्रामीणों के स्वास्थ्य और विकास के लिए कार्य करने चाहिए, वहीं वे अपने फायदे के लिए वर्तमान के लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी ईंट भट्टे का संचालन कर रहे हैं। इस फलते फलते कारोबार को अगर रोका नहीं गया तो गरीब मजदूरों के स्वास्थ्य को भारी हानि पहुंच सकती है। अतः संबंधित अधिकारियों से अपील है कि वे इस अवैध रूप से संचालित भट्टों एवं सरपंच के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जी बताएंगे आप कौन से ग्राम पंचायत से हैं और क्या नाम है? संजय ग्राम पंचायत से। मेरा नाम धनेश्वर साहू। जी देखा जा रहा है अभी आपके द्वारा ग्राम अपने ग्राम पंचायत मीटर बनवाया जा रहा है कोरोना महामारी चलते हुए भी देखते हुए भी। नहीं सर, कोरोना जो लॉकडाउन उसके बाद बंद हो गया है। पहले छोर साहब बनाया है घर बनवाने के लिए। जी अभी कुछ ग्रामीणों से शिकायत मिला था कि लॉकडाउन में भी आपके द्वारा ये ईंटा बनवाया जा रहा है ना? नहीं सर, नहीं बनवा रहे हैं। हम लोग तो सर्वे से डर है, पूरा घर बंद है, कहाँ से ईंटा बनवाएंगे? बंद है पूरा, कोई काम नहीं चल रहा।